पालघर जिले के वसई तालुका में खाकी वित्त राखी का अनोखा कार्यक्रम। पालघर जिले के वसई तालुका में जिले के एसपी गौरव सिंह के आदेश के अनुसार खाकी वित्त राखी का अनोखा कार्यक्रम किया गया, जिसमें वसई तालुका के एडीएसपी विजयकांत सागर और वसई की डीवाईएसपी अर्चना पाटिल, मानिकपुर पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक दामोदर वंदेकर, ट्रैफिक पुलिस निरीक्षक संपत राव पाटिल की देखरेख में संपन्न हुआ। खाकी वर्दी और ट्रैफिक पुलिस के साथ आज रक्षाबंधन के पावन पर्व पर सभी महिला पुलिस कर्मी ने आते जाते मुसाफिरों को राखी बांधी और ट्रैफिक के नियम के बारे में बताया। वहीं पर राखी बांधने पर जो पैसे मुसाफिर महिला पुलिस कर्मी को देते थे, वही पैसे पुलिस ने लेते हुए केरला में हुई आपदा के नाम पर पेटी में रखी और कहा कि सभी पैसे केरला को मदद के लिए मुख्यमंत्री राहत खाते में जमा होंगे, ताकि वहां के लोगों तक मदद पहुंचे। वही 5 बॉक्स में 68,445 रुपए जमा हुए, पर 70,000 में कुछ कम होता देखकर वहीं के लोगों ने अपने अपने जेब से मिलाकर 70,000 पूरे किए। पेश है वसई की खास रिपोर्ट। राखी विद खाकी अभियान चला रहे रक्षाबंधन के औचित्य पे हमारी सभी एलपीसी जो भी यानी ट्रैफिक के रूल ब्रेक कर रहे हैं उनको यानी वो रूल भी बता रही हैं और उनको राखी बांध के उनसे इंसिस्ट कर रहे हैं कि ट्रैफिक के रूल फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो भाई हैं जो है यहाँ से हम अपने बहनों को जो गिफ्ट दे रहे हैं अब ये सही हम यानी इकट्ठा कर रहे हैं और जो भी उसमें यानी जो मदद आएगी हम माननीय सीएम सर की जो केरल के लिए जो सहायता निधि जा रही है उसको हम देंगे। वसई पुलिस विभाग में एसपी के वसई ट्रैफिक पी आए मुझे पी आए बांदेकर साहब और सभी यहाँ के जो ट्रैफिक स्टाफ है हम 5 जगह पे ऐसे अभियान चला रहे हैं। सर खाली ये वसई तालुका में है क्या, पूरे जिले में खाकी वित्त राखी है? खाकी वित्त राखी जो हम वसई पुलिस विभाग में अभी यानी सिम्बॉलिक कर रहे हैं और आगे जाके यानी जो अवेयरनेस जो कैंप रहेगा माननीय पुलिस अधीक्षक के प्रयत्न से पूरे जिले में चलता रहेगा। सर आपके उद्देश्य लोगों को क्या बताना चाहेंगे? दोनों है कि ट्रैफिक को रूल फॉलो करना अपने यानी फायदे के लिए होता है, ट्रैफिक लोग रूल फॉलो करना ये भी है और अपनी जिम्मेदारी संभालना और ट्रैफिक का रूल का सबसे बड़ा फायदा हमें खुद होता है और हमें खुद भी होना है और दूसरों को भी कहीं गलती यानी तकलीफ ना हो, ये हम यानी उससे यानी संदेश देना चाह रहे हैं।